हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपनी मेकअप को कैसे रिमूव करती हूं और स्किन केयर कैसे करती हूं। तो यहां पे मैं पैरासूट की कोकोनट ऑयल जो है यूज़ करती हूं अपनी स्किन केयर में। मेकअप ये इजीली रिमूव कर लेता है। एक कॉटन सा पैड चाहिए, उसमें कोकोनट ऑयल डालना है और धीरे धीरे रिमूव करना है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसके साथ साथ हमारे फेस में मेकअप है, डॉट है, इम्प्यूरिटी से उसको रिमूव भी करता है और पोर्स को भी क्लीन करने में भी हेल्प करता है, जो कि जेंटली निकाल सकते हैं। मेरी फेस की जो फाउंडेशन में यूज़ की थी वो भी रिमूव कर ली, आई मेकअप भी रिमूव किया। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरी लिप्स को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये बहुत इजी वे है, अगर आप मेकअप रिमूव करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपनी स्किन को क्लियर क्लीन रख सकते हैं, जो कि आप इसको ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंडिया में ज़्यादातर कोकोनट ऑयल सब यूज़ करते हैं और ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट देता है, जैसे हेयर के लिए होता है वैसे ही स्किन के लिए। तो हमेशा मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो मैं अपनी फेस को अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ एंड आपको दिखा रही थी जितने भी मेकअप है ये क्लीनली रिमूव हो जाते हैं। तो मैं अपनी आईब्रो को भी क्लीन करूँगी, जो कि आईब्रो किट में यूज़ की थी। मेकअप को रिमूव करने के बाद अभी यूज़ करूँगी फेस वॉश। तो यहाँ पे मैं मामाअर्थ की राइस फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे फेस में जितने भी ऑयली है, डॉट है, मेकअप है, डीपली ये क्लीन करेगा। उसके साथ साथ जेंटली हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, सॉफ्ट भी बनाता है। तो मेकअप कर रहे हैं, मेकअप को निकाल रहे हैं तो एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें, जो कि हमारे फेस को डीपली क्लीन करे, हमारे पोर्स भी क्लीन रहे, क्योंकि अगर पोर्स क्लीन नहीं रहेंगे हमारे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पिंपल एक्ने आती है, स्किन में पिगमेंटेशन आते हैं, फेस काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट दिखता है। तो इसीलिए आप फेस वॉश अच्छा सा यूज़ करें। तो फेस वॉश मैं अप्लाई अच्छे से कर चुकी हूँ। फेस को क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं जॉय की फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। जब भी मैं मेकअप करती हूँ फेस को क्लीन करने के बाद हमेशा मैं स्क्रब भी यूज़ करती हूँ। स्क्रब हमारे फेस को क्लीन करता है डीपली, उसके साथ साथ हमारे पोर्स को भी क्लीन करता है और हमारे फेस में जितने भी डेड सेल होते हैं, डॉट होते हैं, उसको भी क्लीन करता है और हमारे फेस में एक नेचुरली ग्लो आता है। तो आप हफ्ते में एक बार स्क्रब ज़रूर यूज़ करें। और मेरी ऑयली स्किन है तो बहुत जल्दी पिंपल एक्ने आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं स्क्रब मेकअप के बाद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे स्किन में, नहीं तो पिंपल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्क्रब मैं कर चुकी हूँ, अभी मैं फेस को थोड़ा सा ड्राई करूँगी। तो ऐसे कॉटन की टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा स्किन को ड्राई करता है, उसके साथ साथ हमारे फेस को भी जेंटली हैंडल करता है। तो मैं अच्छे से अपनी फेस को ड्राई कर लूँगी। फेस को ड्राई करने के बाद यूज़ कर रही हूँ बायोटेक की कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को कंट्रोल करता है और हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है। तो कॉटन आप ले सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं ये टोनर, बहुत अच्छे से काम करता है और ये टोनर बहुत ही अफोर्डेबल है और ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको जेंटली हम क्लीन करेंगे फेस को, ये हमारे फेस को टोनिंग करने के साथ साथ क्लीन भी कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी सीरम, ये प्लम की विटामिन सी सीरम है। मेरी स्पॉट की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की, जैसे कि पिंपल एक्ने आते रहते हैं तो डार्क स्पॉट और पिंपल्स के जो स्पॉट होते हैं वो रह जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और नाइट स्किन केयर रूटीन में। विटामिन सी सीरम अगर यूज़ करते हैं तो हमारी रिंकल्स, फाइन लाइंस नहीं होगी, हमारे फेस में एक ब्राइटनेस रहेगी, उसके साथ साथ हमारे फेस में इतनी सारी डार्क स्पॉट की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप ज़रूर विटामिन सी सीरम यूज़ करें। तो 25 एज से अगर ज़्यादा है तो आप ज़रूर विटामिन सी सीरम यूज़ करें, ये हमारे फेस में जितने भी डलनेस होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करता है और हमारे फेस को एक नेचुरली ग्लो देता है। तो मैं विटामिन सी अप्लाई करने के बाद अभी यूज़ कर रही हूँ फेस मॉइस्चराइज़र। ये है फेस शॉप की राइस कैरामेंट फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि हमारे फेस को हाइड्रेट करता है, उसके साथ साथ हमारे फेस को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये मॉइस्चराइज़र भी मैं 2 ईयर हो गया अप्लाई कर रही हूँ, रेगुलरली अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग में एंड नाइट में, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है मुझे कुछ पूछ रही थी, तो उसको मैं बोल रही थी, तो वो
कुछ ना कुछ करती रहती है आसपास में। मैं वीडियो जब भी बनाती रहती हूँ तो वो खेलती रहती है, और मैं थोड़ा सा वीडियो जो है वो शूट कर लेती हूँ। अपने स्किन केयर रूटीन हो गया, मेकअप हो गया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आप कुछ भी स्किन केयर प्रोडक्ट की रिव्यू चाहते हैं या स्किन केयर चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बोलें, मैं आपके साथ डीपली उसकी रिव्यू शेयर करूँगी। जो कि जब भी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाती हूँ या खुद यूज़ करती हूँ तो वो प्रोडक्ट सूटेबल होता है तो तब भी जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि होता है ना, मेरे स्किन पे अगर सूट करता है तो आपके स्किन पे सूट करेगा या नहीं वो डिपेंड करता है, इसलिए पैस्टर ज़रूर करें। उसके बाद मैं लिप को यहाँ पे मॉइस्चराइज करूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर साथ साथ लिप्स को भी मॉइस्चराइज करें। और मेरी लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ बोरोलिन, नहीं तो वैसलिन, ज़्यादातर यही यूज़ करती रहती हूँ मैं। उसके बाद अब भी मेरी हेयर को थोड़ा सा अच्छे से कोम कर लूँगी, क्योंकि स्किन केयर के साथ साथ हेयर की केयर भी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं उड़न की कोम यूज़ करती हूँ अपनी हेयर को कोम करने के लिए, जो कि ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता, हमारे हेयर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, हेयर ब्रेकेज भी नहीं होता। तो अच्छे से मैं अपनी जो हेयर को है कोम कर चुकी हूँ। और वैष्णवी यहाँ पर मुझे बिंदी लगा रही है, क्योंकि बहुत टाइम से वो मुझे देख रही है कि मैं बिंदी नहीं लगाई हूँ, इसलिए वो बिंदी ला के मुझे लगा दी। और बहुत टाइम से मैं बहुत दिन गैप में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन केयर और हेयर केयर बहुत अच्छे से हो चुकी है। और आप इस वीडियो को इंजॉय करें, पूरा देखें इस वीडियो को। और जो भी प्रोडक्ट है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।